मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान अगर इतना अरसे से क्रिकेट खेल रही है, खेल रही है, खेल रही है, सीख रही है, सब कुछ हो रहा है, प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, नजर आ रही है, उस क्रिकेट का कोई फायदा, उस क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है कि जब आप जो हैं क्या कहते हैं इसको, एक मैच किसी वर्ल्ड कप में किसी को हरा दें, उसके बाद आप जो है फिर अगले वर्ल्ड कप में किसी को हराएं, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला सही नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम को हराते हैं या आगे आगे चल के करते हैं, वो सिलसिला टूटना चाहिए, फिर आपकी क्रिकेट इतनी इंप्रूव हो जाए कि आप वर्ल्ड कप में जहां एक मैच अच्छी टीम को हराते थे, आप 2 से 3 हराने लग जाए, तब पता चलता है कि आपकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही है। और ये जो अफगानिस्तान की टीम आई है ना, मैं आपको बताऊं, इनकी क्रिकेट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ठीक है, देखें जब टीम्स ऊपर आती हैं, जो टीम्स बड़ी टीम आपसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वो खेलने की कोशिश करती है, क्रिकेट बोर्ड आप इन्वेस्ट करता पैसा फिर बहुत ज्यादा, फिर आपकी जब डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा आता है, कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी वीक टीम होती है, आप डोमेस्टिक में इतना पैसा नहीं लगाता, आ जाएगी अच्छे प्लेयर आ गए तो आ गए, फिर जब टीम इस तरह ऊपर आती जीतती है, फिर आप डोमेस्टिक के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, अब जिस तरह टेस्ट टीम इनकी वीक है, वनडे की वीक है, फिर उस वहां से फिर उसको स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छे लड़के निकालने की कोशिश करते हैं। टी20 की तो बहुत अच्छी टीम जो है, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद जोनाथन ट्रॉट ने जिस तरह इस टीम को वो लेके चले, लेकिन मैं आपको चीज बताऊं, मैं जोनाथन ट्रॉट की बात नहीं करता, मैं कबीर खान की बात करता हूँ जो पहले कोच थे इनके साथ, मैं राशिद लतीफ उनकी बात करता हूँ, मैं इंजमाम उलक हो गए, यूनुस खान हो गए, उमर गुल हो गए, जो भी जिस जिस बंदे ने स्टार्टिंग में इस टीम के साथ साथ दिया है, टाइम लगाया, उन सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये तो मोहम्मद शहजाद ने भी कह दिया, जो साबिक क्रिकेटर है अफगानिस्तान के, कि हमें पाकिस्तानी टीम ने बनाया, हमने अपने डोमेस्टिक पिशावर में खेले हैं, तो हमें तो बनाए उस टीम ने। सर मैं आपको बताऊं, ये गुलबदीन हो गया जी, ये शहजाद हो गया, एक आध और एक इनका हमीद हसन है क्या है, वो फास्ट बॉलर, वो उसने छोड़ दिया, ये 3-4 लड़के तो हमारे से डिपार्टमेंट खेले, हमारे डिपार्टमेंट में खेले, बिल्कुल ऐसा ही, जब राशिद भाई कोच थे अफगानिस्तान के, वो उनको लेके आए थे वहां पे खिलाने के लिए, तो ये 3-4 लड़के हमारे साथ खेले हैं, तो इन्होंने बहुत क्रिकेट सीखी है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जोनाथन ट्रॉट समझो, उसको तो बनी बनाई टीम मिली, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत काम। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।